नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैलेंज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने मोबाइल फ़ोन से क्विकली तत्काल टिकट कैसे आप बुक कर सकते हैं। खूब बहुत ही कम समय में आप मोबाइल से भी तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और यहाँ जाके टाइप करना है, ये जो रेल कनेक्ट ऐप है, ये रेल IRCTC रेल कनेक्ट, इस ऐप को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है फ़ोन में। उसके बाद इसको ओपन करना है। जब आप ओपन करोगे, इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपको सिर्फ कॉर्नर में जो लॉगिन ऑप्शन लिखा हुआ है, इसमें आपको क्लिक कर देना है। जब आप लॉगिन ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे आपको लास्ट में कैप्चा देके यहाँ पे जो लॉगिन का ऑप्शन है, इस ऑप्शन में क्लिक करके आपको लॉगिन हो जाना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा, तो इसके लिए आपको IRCTC में अकाउंट ओपन करना है। तो IRCTC में अकाउंट कैसे बनाओगे, इसका भी वीडियो आपके मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल में से और उस वीडियो को देख लीजिए। मैं आई बटन में लिंक भी दे दूंगा कि आप IRCTC में अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले। जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बोल रहा है एंटर पिन कन्फर्म पिन, तो पहले आपको यहाँ पे एक पिन जनरेट करना होगा। ठीक है, आप इस पिन को 4 डिजिट में एंटर कर सकते हैं, मतलब 4 अक्षर का कोई भी पिन आप यहाँ पे चूज़ करके आप यहाँ पे पिन दे सकते हैं। चलिए मैं पिन भी दे देता हूँ। मैंने पिन दे दिया, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ रिमेंबर टू कीप योर पिन इन सेफ प्लेस फॉर फर्दर यूज़ फ्यूचर यूज़। इस पिन को आपको याद रखना है, ये फ्यूचर में यूज़ करने के लिए यही बता रहा है। मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। आपको सिर्फ ट्रेन ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले आपको माय अकाउंट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो माय अकाउंट लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हो माय मास्टर लिस्ट, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे आपको नाम सेट करना है। पहले से पैसेंजर का नाम यहाँ से आप लोड करके आप रख सकते हो। मैं पहले ये डिलीट कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे पूरा सब डिलीट हो गया। तो पहले से और एक बार बता देता हूँ, पहले आपको माय अकाउंट पे क्लिक करना है और उसके बाद माय मास्टर लिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर में जो ऐड पैसेंजर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे पैसेंजर का नाम आपको लिखना है। मैं कोई भी एक नाम दे देता हूँ। और उसके बाद इस कैलेंडर से आपको उसका डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ कर लेना है। यहाँ पे मेल और फीमेल, उसके बाद मेल है या फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और बाद प्रेफरेंस में आपका कौन सा सीट लेना है, ये भी यहाँ से चूज़ कर लेना। मैं लॉवर चूज़ कर लेता हूँ। और मील प्रेफरेंस में आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ नो फूड कर देता हूँ। उसके बाद आप चाहे नीचे जो आईडी कार्ड टाइप ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर भी आप दे सकते हो और नहीं भी दे सकते हो। चलिए मैं नहीं दूंगा, ऐड पैसेंजर पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे दिखा रहा है पैसेंजर डिटेल्स एडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। देख पा रहे हो ऊपर में यहाँ पे पी मित्रा 22 ईयर्स मेल लोअर बर्थ नो कंसेशन यहाँ पे बता रहा है, नो फूड, और डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे बता रहा है।
मैंने एक नाम एंट्री कर दिया, उसके बाद चाहे आप और भी नाम एंट्री कर सकते हैं ऐड पैसेंजर में जाके, और यहाँ पे और भी एक दिखा देता हूँ। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, और यहाँ पे मेल या फीमेल, यहाँ पे मेल, बर्थ प्रेफरेंस मिडिल कर देता हूँ, और मेल में नो फूड कर देता हूँ, और ऐड पैसेंजर कर देता हूँ, और यहाँ पे ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का लिस्ट यहाँ पे आ गया। अब कुछ नहीं, अब बैक में आ जाना है, होम पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, और बुक ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। ऊपर में आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। मैं यहाँ कानपुर से हावड़ा टू रक्सौल, यहीं पे देख रहे हो, हावड़ा से यहाँ पे रक्सौल जंक्शन तक। यहाँ पे क्लासेस में ऑल क्लासेस होगा, यहाँ पे कोटा आप चाहे यहाँ पे आप तत्काल या प्रीमियम तत्काल और जनरल जो भी चाहे आप। मैं प्रीमियम तत्काल और तत्काल में पहले तत्काल चेक कर लेता हूँ, अभी सीट अवेलेबल मिलेगा या नहीं। डेट 31 तारीख को कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सर्च ट्रेन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोनों ट्रेन है, दोनों ट्रेन का आ गया लिस्ट। यहाँ पे एसी में पहले मैं चेक कर लेता हूँ, नॉट अवेलेबल बता रहा है, इसका मतलब सीट अभी खाली नहीं है। मैं दूसरी ट्रेन पे भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे वेटिंग लिस्ट बता रहा है, यहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट बता रहा है, ठीक है। मैं तो बहुत देर बाद यहाँ पे बुकिंग करना चाह रहा हूँ, मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं अभी तो शाम हो चुका है, आप देख पा रहे हो मेरे घड़ी में 6:55 हो गया है, इसलिए तत्काल टिकट अवेलेबल नहीं है। ये जो सीट था वो ख़त्म हो चुका है। आप चाहे आपका जो ट्रेन का टाइम है तत्काल का बुकिंग का, आप स्लीपर का अगर बुक करना चाहो तो 10-11 बजे टाइम होता है सुबह का, और एसी के लिए सुबह 10 बजे टाइम होता है, तो उसी समय आपको बुक करना चाहिए आपको अगर तत्काल टिकट मिलेगा तो। तो चलिए मैं कोई और ट्रेन सर्च कर लेता हूँ जिसमें तत्काल मिल सकता है। यहाँ पे तत्काल कोटा रख के सर्च ट्रेन में क्लिक कर देता हूँ। मैं अलग सा ट्रेन एक देख सर्च कर लिया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तत्काल मिलेगा या नहीं। यहाँ पे दिखा रहा है एक सीट है, और सीसी में देख लेता हूँ। बहुत से लोगों का गलत फहमी होता है कि 11 बजे के बाद तत्काल टिकट नहीं मिलता, लेकिन कुछ कुछ ट्रेन में मिल सकता है। जिस ट्रेन में जिस लाइन पे लोग कम जाता है, ट्रेन ज़्यादा है, ठीक है, कम लोग जर्नी करते हैं, उस ट्रेन में सीट मिल सकता है, बहुत देर तक भी आप बुक कर सकते हो। चलिए मैं सेकंड सीटिंग में एक अवेलेबल है एक सीट, इसको मैं बुक करना चाहूँगा, तो बुक करके मैं बुक नहीं करूँगा, मैं कैसे बुक करना है इसी ऐसे बताता हूँ। तो यहाँ पे एक अवेलेबल बता रहा है, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके आपको पैसेंजर डिटेल्स में जाना है, आई एग्री पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप दोनों पैसेंजर का आप चाहो तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है, या एक पैसेंजर का बुक करना चाहो तो एक में ही टिक कर देना है, ठीक है। मैं दोनों का ही दिखाता हूँ, और दोनों पैसेंजर में टिक कर देता हूँ, और यहाँ पे सिलेक्ट पैसेंजर में क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो दोनों पैसेंजर का डिटेल्स आ गया है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया है, आप चाहे तो यहाँ पे कैंसिल करके आप नया सा मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आ रहा है, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, अगर इस ऑप्शन पे आप टिक कर दोगे तो ये वेटिंग भी आपको बुक मिलेगा, बुक हो जाएगा, वेटिंग टिकट होगा। तो अगर इसको हटा के आप नीचे के ऑप्शन पे अब टिकट बुक करो, बुक ओनली इफ कन्फर्म बट अलाउडेड, यहाँ पे अगर आप कंफर्ट सीट मिलेगा तो आपको तो ही बुक होगा, नहीं तो वेटिंग लिस्ट टिकट नहीं बुक होगा। आपको यहाँ पे टिक मार्क रखना चाहिए अगर वेटिंग लिस्ट बुक नहीं करना चाहो। यहाँ पे उसका नीचे जो ऑप्शन है, यहाँ पे एंटर प्रेफरेंस कोच नंबर, इसके लिए आपको अगर आप कोई भी कोच में आप बुक करना चाहो तो यहाँ पे आप उसका कोच नंबर आप देके रख सकते हो, तो अगर उस कोच में अवेलेबल होगा सीट तो आपको उसी कोच में सीट मिल सकता है।
उसके बाद यहाँ पे पेमेंट मोड में आपको दो ऑप्शन दिखा रहा है, आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग ऑप्शन से आप पहले जो ऑप्शन है इसमें आप बुक कर सकते हैं, और दूसरे पे जो है पे थ्रू भीम UPI, तो आप भीम UPI से भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आप जल्दी टिकट बुक करना चाहो तो आपको पे थ्रू भीम UPI ऑप्शन पे ही आपको रखना चाहिए, इसमें कोई OTP भी नहीं लगता। अगर आप थ्रू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप करना चाहोगे तो आपको OTP लगेगा, बुक पेमेंट नहीं तो नहीं कटेगा, OTP देना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या ज़्यादा टाइम लगता है OTP भरने में, अगर आप भीम UPI में आपको करोगे तो आपको कोई भी OTP की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी टिकट बुक कर पाओगे। मैं तो यहाँ आपको बहुत स्लोली बता रहा हूँ, आपको जब आप बुक करोगे तो आपको बहुत फास्ट आपको जाना होगा, तभी जब भी मैं बुक करता हूँ टिकट तो इस तरह से धीरे नहीं बुक करता, बहुत जल्दी फास्ट आपको यहाँ से आपको नेक्स्ट करके जाना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भीम UPI में आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद रिव्यू जर्नी डिटेल्स में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे एक कैप्चर आएगा, उस कैप्चर को आपको फिल करना है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक नीचे कैप्चर आ गया, यहाँ पे कैप्चर फिल कर लेना है, उसके बाद प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। आपका नेट जॉब जितना ज़्यादा बेहतर होगा उतनी जल्दी यहाँ पे टिकट बुक होगा। यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन दिखा रहा है और भीम UPI, इस भीम UPI ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और भीम UPI पे आपको क्लिक करके आपको पे ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको UPI ऑप्शन नीचे में बता रहा है, यहाँ पे आपको UPI ID आपको डालना है, ठीक है। आपको UPI ID डालने के बाद वेरीफाई आपको कर देना है, वेरीफाई VPA क्लिक करने के बाद आपको पे यहाँ पे जो आपको पेमेंट करना होगा यहाँ पे दिखाएगा, हमें अभी तो यहाँ पे 251 बता रहा है, आपका जो टिकट फेयर होगा यहाँ पे शो होगा, उससे पे ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। जब पे ऑप्शन में आपको क्लिक करेंगे तो आप जो भीम UPI ऑप्शन में आप यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको लॉगिन कर लेना है, आप फोन पे गूगल पे कोई भी है तो उसको लॉगिन जब करोगे तो वहाँ पे एक पेमेंट ऑप्शन शो होगा, ठीक है। पेमेंट ऑप्शन उसको आपको यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ कैसा पेमेंट ऑप्शन आता है, मैं पहले भीम UPI ID यहाँ पे दे देता हूँ। चलिए मैंने UPI ID दे दिया और यहाँ पे प्रोसीड फॉर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह का एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पे बता रहा है 4 मिनट 56 सेकंड, 5 मिनट का एक टाइम यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक रिक्वेस्ट आया हुआ है, यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है ISCTC के, यहाँ पे मेरा फ़ोन पे लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ पे ऑप्शन में जाके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे फिर से आ जाना है, ठीक है। जब पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे वो टिकट अगर खाली रहेगा तो आपको टिकट कन्फर्मेशन हो जाएगा टिकट। तो चलिए मैं ये टिकट को बुक नहीं करूँगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इस तरह का नया वीडियो अपलोड करता रहूँगा तो आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को एक लाइक दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।